गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आप सबका वेलकम है और होप करती हूँ कि सब आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, बाद में हमेशा उसके मुस्कुराते रहें और अपनी दो में मुझे याद रखिएगा। आज है मंडे और मॉर्निंग है, सुबह की मुझे तकरीबन 7:10 में देखिए, मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर मैंने तैयारी पराठे घर पे, पहले तो बाहर का प्लान था लेकिन सोचा कि चले घर पे जो है मज़ेदार से आलू के पराठे बनाए जाए, तो उसकी मैंने रात में ही सारा सामान मंगवा लिया था, तैयारी कर ली थी, अभी मैंने सारा सामान रेडी कर लिया। तो चले दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो आलू लिए थे, इनको मैंने हाफ करके इनको मैंने बॉयल कर लिया है। माशाल्लाह से आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं, ये देखें, ठीक है। और इसके बाद मैंने लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, और इसी तरह हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, 1.5 अनियन है, कुछ मिर्चें हैं 5 से 6, 1 टमाटर है, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा टेस्ट को बढ़ाने के लिए, और ये धनिया और ये पुदीना। तो बस अपनी तैयारी शुरू करते हैं और इसको मैं अब सारा मिक्स करूँगी। आलू मैंने बॉयल कर लिए, आलू नमकीन वाले जो रेड आलू हैं वो मंगवा लिए थे मैंने, 2 किलो लिए क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। तकरीबन 2 किलो आलू जो है ये तकरीबन 12 लोगों के लिए जो है मैं बनाऊंगी, नहीं सबको 1-1 पराठा आएगा और अच्छी से फिलिंग करके बनाएंगे। तो चलें जी अपनी जो है ये सारी चीज़ें मिक्स कर लो, इसका मैं टॉपिंग बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चीज़ें मैंने दिखा दी हैं, सामान कम बहुत डाल रही हूँ क्वान्टिटी में, आलू ज़्यादा है सामान कम है, क्योंकि मुझे और मेरे घर वालों को कुछ चीज़ें अपने रियल टेस्ट के साथ अच्छी लगती हैं। जब आलू के पराठे में आलू नहीं होगा तो फिर आलू के पराठे का मज़ा बेकार है, तो इससे ये मसाला जात वगैरह कम है और आलू की क्वांटिटी ज़्यादा है, ताकि ओरिजिनल और रिच टेस्ट जो है आलू का, जो कि नाम भी है आलू का पराठा, वो हमें उस चीज़ में टेस्ट भी हो और वो नज़र भी आए। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ये मसाला बन के रेडी हो चुका है, जबरदस्त। हर एक चीज़ इसमें है, प्याज चॉप करके डाला था, टमाटर भी चॉप करके डाला है, बारीक धनिया चॉप करके इसमें मैंने शामिल कर दिया, बहुत ज़बरदस्त सा मसाला बन चुका है। और बस अभी इसका थोड़ी देर में भर के पराठे बनाना शुरू कर दिया। फिर वापस और जी ये है रायता, पुदीने और धनिया का और जीरे का रायता, बहुत ज़बरदस्त है। और आलू के पराठे रिव्यूज़ आपने बच्चों के पहले ही देख लिए माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त बहुत टेस्टी ब्रांड जिसको बोलते हैं वो पराठे बने हुए थे, बहुत यम्मी और कुरकुरे सब लोग खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। गर्मा गर्म पराठे बना रही थी मैं सबको, गर्मा गर्म बिल्कुल जो है जैसे 1-1 पराठा यानी कि पका के रख दिया, नहीं गर्मा गर्म जो जो आता जा रहा था उनको गर्मा गर्म जो है पेश किए जा रहे थे पराठे, और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे पराठे खा के, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन, बहुत मज़े यम्मी के पराठे थे। आप सब बताइए कि मुझे मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और इसी के साथ अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।